नमस्कार फ्रेंड्स, सभी ईपीएस 95 पेंशनधारियों को मेरा प्रणाम। ईपीएस 95 पेंशनर्स सरकार से पहले ही 1,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन प्रदान कर सहायता प्रदान कर रही है। देश के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक जरूरी खबर है यह सूचना। पीएफ खाते पर मिलने वाली पेंशन राशि को लेकर है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसलिए सरकारी एवं प्राइवेट सभी कर्मचारी इससे प्रभावित होंगे। लंबे समय से ईपीएफओ पेंशन को लेकर कशमकश की स्थिति बनी हुई है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, लेकिन कोई निर्णय निकल नहीं पा रहा है। दूसरी तरफ अब सरकार ने इस पर अपना रुख साफ एवं स्पष्ट कर दिया है। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारी पेंशन योजना में होने वाले बदलाव की जानकारी दी। जी हाँ फ्रेंड्स, उन्होंने कहा है कि आगे अतिरिक्त बजटीय सहायता के बिना पेंशन राशि बढ़ना संभव नहीं है और ईपीएस 95 को सामाजिक बीमा योजना के सिद्धांतों पर डिजाइन किया जाए और साथ ही दीर्घकालिक वित्तीय व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए बीमा की प्रिंसिपल को अपनाया गया और सामाजिक सुरक्षा कोष की स्थापना करेगी सरकार। और श्रम मंत्री ने सामाजिक सुरक्षा 2020 की संहिता की धारा 141 के बारे में बताया। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के लिए एक सामाजिक सुरक्षा कोष की स्थापना करेगी। तो फ्रेंड, जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।